अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। हम पहले दिन से मैं और मोहतम शेख खान न्याज साहब हमारे साथ ही एक बात दोस्तों को बताते आ रहे थे। असल में जो सच्ची लीडरशिप होती है, जो सच्ची क्यादत होती है, जिसका विजन होता है, अगर वो आने वाले वक्त का और मौजूदा हालात का अदराक नहीं करता तो वो क्यादत का अहल ही नहीं है। हमें ये बात 4-5 साल पहले हमारे इल्म में आ चुकी थी। हुकूमत की हमारे साथ मुसलसल मीटिंग्स और हमें इस बात पे वो बारहा इसरार कर रहे थे कि हमें कोई ना कोई ऐसा हल तलाश करना है कि फजाई आलूदगी से छुटकारा हो सके और भट्टे भी चलते रहें। तो हमने हमेशा हुकूमत से ये मुतालबा किया कि कोई ऐसा काबिल अमल कोई फार्मूला कोई अमल चीज़ ऐसी है तो हमें बताएं, हम अपनाने को तैयार हैं कि जिससे हमारा कारोबारी नुकसान भी ना हो और उसको अपना के हम अपना कारोबार भी बेहतर कर सकें और फजाई आलूदगी का जो अल्ज़ाम हमारे ऊपर वो ख़त्म हो जाए। तो इस पे हुकूमत हमेशा बेबस नज़र आई। उसने कभी ये शावरिंग सिस्टम की बात हुई, कभी ड्राई स्क्रबर, कभी वेट स्क्रबर, ये वो सिस्टम की बात हुई, लेकिन ये चूंकि तमाम तजर्बे पाकिस्तान में बहुत पहले हुए थे, नाकाम हो गए थे, इसमें पाइप शाइप नहीं चलते और ये आरजी था हल। तो मुश्किल हल ऐसा सस्टेनेबल हल जिसमें भट्टा मालकान ख़र्चा करें और उनको फ़ायदा भी हो और उनके कारोबार में बेहतरी भी हो, इस्तेहकाम भी आए, ऐसा कोई नज़र। ये जब ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी हमें दिखाई गई और हमने इसको जाके प्रैक्टिकली देखा तो फिर हमें अंदाज़ हुआ कि यार वाकई दुनिया में एक ऐसा तरीक़ेकार कारोबार का मौजूद है जिससे कोयले की बचत भी है और ईंट भी बहुत बेहतर पक जाती है और ये जो है काले धुएँ से भी छान छोड़ती है। तो हमने ये तजर्बा पाकिस्तान में मैं मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया। बदकिस्मती कह लें कि उसमें लोगों ने उस तरह से इस चीज़ को समझा और सीखा नहीं था और जल्दबाजी में छलांग लगाई, लेकिन आहिस्ता 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 लोग इस काबिल अब हो गए हैं कि अब एक दूसरे को लोग समझा भी रहे हैं, लोग एक दूसरे सीख भी रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पूरा पाकिस्तान इस माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पे चले जाएगा। बदकिस्मती की बात है कि हमारे एक दोस्त हैं, वो हमारे साथी थे, मोहतरम जगवाल साहब हमारे भाई, बड़ी अच्छी दोस्त थी, बड़े अच्छे रिश्ते थे, हम एक दूसरे की तरफ शादियों खुशियों गमियों पर आना जाना, लेकिन ये किसी अपने कारोबारी सिलसिले में दुबई चले गए, फिर वापस आए तो ये जनरल सेक्रेटरी थे जिस वक्त बाहर गए, लेकिन जब आए तो उस वक्त तक जनरल सेक्रेटरी की सीट अमजद जगवाल साहब की जगह पे पूरी हो चुकी थी मुल्तान में। तो इन्होंने आके मकामी यूनियन पे एतराज़ात उठाए कि ये चंदा खा जाते हैं, काम सही नहीं करते। हमने इनकी सुलह नजर खान से करवाने की, मैं और शाह फरनेज साहब ने बहुत ज्यादा की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए और ये अपनी बात पे अड़े रहे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान यूनियन को मुल्तान में हुआ। लेकिन फिर ये जब कोयले वालों ने 2018 में हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई और उस वक्त अमजद भाई मेरे साथ रबते में थे और अमजद भाई ने मुझे कहा था कि मैं सब अगर आप भट्टे बंद करवा देते स्मोक पीरियड में तो आप भट्टे वालों के ऊपर आप एहसान करेंगे और आप हमारे बच्चों के भी मोहसिन हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके वो अल्फाज हमारे लिए बड़े बड़े हौसला मंद थे। उस वक्त हमारा कोई आपस में इख्तलाफ नहीं था। फिर ऐसा वक्त आया कि वो ये मुल्तान की मुखालफत में हमारे खिलाफ भी हो गया, क्योंकि हमने इनको बोला था कि यार मुल्तान का जो सदारत का फैसला वो हम नहीं कर सकते, वो तो वहाँ के मकामी लोग ही करेंगे, तो आप अपने मिल बैठ के हल करें, हम आपकी सुलह करवा देते हैं। लेकिन जब समद रही सानी वगैरह सुप्रीम कोर्ट 2018 में गए तो उस वक्त तो उनका एक ही मसला था कि वो सुप्रीम कोर्ट ये गए थे कि भट्टे चलते रहने चाहिए, तो जज साहब ने उनको इनकार किया कि ये बात आप नहीं करें क्योंकि भट्टे वाले भट्टे बंद करना चाहते हैं, तो आप कहाँ से आ गए हमारे साथ को भट्टे वाला बात करें। तो फिर ये उनके हत्थे चढ़ गए और उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन अब ये कोयले वाले भी ये बात समझ गए कि भट्टे अब सिर्फ ज़िगज़ैग चल रहे। तो अब हमारा भाई चूंकि एक बात के खिलाफ आवाज़ निकाल चुके हैं कि मैं ज़िगज़ैग को नहीं मानता, इस पे लोग बर्बाद हो जाते हैं, अब हजारों नहीं, अब सैकड़ों दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों भट्टे ज़िगज़ैग पे चल रहे हैं, इंतहाई कामयाबी से चल रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने, आपका खासतौर पर मुल्तान की बात करूंगा, राना यामीन में जब हम आए थे इसकी आखराब थी, हमने इसको आके थोड़ा गाइड किया,
माशाल्लाह उसका काम ठीक हो गया। आज उसका भट्टा एक मिसाली भट्टा है, वो 35 रदे तक भराई कर रहा, और इतनी उसकी बचत है और इतनी खूबसूरत ईंट है। तो आप अपने इलाके में, मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने अपने इलाके में जाएं, अपने अपने इलाके के लोगों से सीखें। ईमानदारी की बात है कि इतना अच्छा ये विन विन सिचुएशन है। और जब ये सफेद धुआं चिमनियों से निकलता है और आग बेहतर जलती है, तो हमारा जो एक रोशन फैलू है वो दुनिया के दूसरे अदारों के सामने खुल के आए हैं कि भट्टा मालकान अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। तो मेरी यार आपसे दरखास्त है कि दोस्तों को गाइड करो यार, अदर लोगों को समझाओ। और मैं दूसरे दोस्तों को भी कहता हूँ, मैं आपके थ्रू मुख्तलिफ जो दोस्त हैं, मैं बहुत से लोगों से इम्प्रेस भी हुआ हूँ कि उन्होंने बड़े जायज़ और बड़े बहुत अहम सवालात उठाए थे। जैसे लड़का इमरान सियाल था, वहाँ से लड़का साहिल था, वो और भी शुरू शुरू में लोग थे, मिसबा था, मलिक मुदस्सिर था, ये बातें करते रहे हमें, ये हमें तनकीद का निशाना बनाते हुए, ख़ास तौर पर अकबर साहब उज शरीफ से बहुत से लोग थे। लेकिन जब जब उनकी हमारे साथ बात होती गई, वो कन्विंस होते गए और उन्होंने अपने कारोबार को तब्दील भी किया है। तो अब मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा ये जिद छोड़ दें, ठीक है 31 दिसंबर तक हुकूमत की तरफ अदालत की पाबंदी है, हम भी हुकूमत को कह रहे हैं कि अब 31 दिसंबर के बाद वो हमारे भट्टे जो बेचारे वक्त पे ज़िगज़ैग नहीं कर सके या उनके पास वसाइल नहीं थे, उनको इसके बाद भी चलाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इजाज़त शायद मिल जाए तो इस तरह से मिल जाए कि वो तब्दीली के लिए वक्त दिया जाएगा, 2 माह 1 माह 3 माह या हो सकता है 6 माह भी, हम कोशिश करें कि एक ज़्यादा वक्त ले सकें। लेकिन यार गुजारिश यह है कि मेहरबानी करें, ये इस बात को हतमी ना समझें। हमें जो PDM वाले बताते हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे बताते हैं, जो अमल दरामद कर, वो कहते हैं एक लम्हे का टाइम नहीं है, एक मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पे 27/6/2019 को एक फैसला दे चुकी है, फिर डबल बेंच पिंडी का फैसला है जिसमें डिटेल बता दिया गया, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को अलाउ किया है। हाँ, एक वक्त आएगा जब लोग ज़िगज़ैग से बेहतर पे जाएंगे, फिर हम ज़िगज़ैग में बुराइयाँ तलाश करेंगे। अभी ज़िगज़ैग से जो बेहतर टेक्नोलॉजी फ्यूल इकोनॉमी पे और इस हमारे सिस्टम से चलती बढ़ती, फिर यहाँ तक ये बात है कि ये जो हमारे रवायती भट्टे इसमें बहुत मामूली तब्दीली करनी पड़ती है, बाकी जितने भी सिस्टम लाएंगे उसके अंदर अखराजात भी होंगे और फायदा भी नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं आप लोगों से, मेरा कारोबार बहुत सारे लोग आके विजिट कर चुके हैं, मेरा कारोबार ज़ाती कारोबार पे लोग आते हैं देखते हैं, और उनके लिए हमारे तमाम लोगों के कारोबार एक मिसाल बन चुके हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जिद छोड़ दें, अना छोड़ दें, झूठे प्रोपेगंडे का शिकार ना हो। और इस हमारे भाई अमजद जगवाल को भी बताओ कि अपनी और अपनी बरादरी और अपने बच्चों का दुश्मन मत बनो, अपना कारोबार चलाओ। तुम जिस डगर पे चले जा गए हो, ये तो एक तरह का खुद कश हमला है यार, ना करो जिद, जिद छोड़ दो। आप एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान हो, ठीक है आपको दर्द हुआ है, आपने लोगों की सोच को पकड़ा है, लोगों की सोच को आप लेके आगे चले हो, लेकिन भाई हकीकत में जो ज़मीनी हकाइक को नज़रअंदाज करके हवा के मुखालिफ सिमत तैरते हैं या पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत तैरते हैं, वह नाकाम होते हैं। मैं आपको नाकाम नहीं कहता, आप कामयाब इतने हो कि लोग आपको जान चुके हैं कि आप हमजद जगवाल हो, आपका तल्लुक भट्टा इंडस्ट्री से है, आपकी एक आवाज़ है, बस ये कामयाबी आपको मिल गई है। तो अब आप अपने रास्ते पे वापस आओ, आप अपने बात को लोगों तक इस बात में लेके जाओ कि ठीक है आपने एक, आप एक बात पे खड़े रहे, उस पे आपने डट के खड़े, लेकिन यार इसकी एक 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 लिमिट होती है। आपने हम आपने अपनी पूरी फौज को मरवा थोड़ा देना होता है, लोग जंगे लड़ते हैं, जब जंग में देखते हैं उनको नाकामी होती है तो अपने अपने सिपाहियों को अपनी फौज को बचा लेते हैं, सुलह भी कर लेते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि सारे के सारे आखिरी फौजी भी आप मरवा दें। तो यार खुदा का नाम लो, ये कारोबारी जंग है, इस कारोबार को एक ऐसा